मत्ती रची सुसमाचार, मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 18 वचन 21। अध्याय 18 वचन 21 नया नियम सब ध्यान पूर्वक देखिए। उसने तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। ए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार प्रभु अपने चेलों को उपदेश दे रहा था और उपदेश देते समय होता क्या है कि उसमें से प्रभु का एक चेला जिसका नाम पतरस था, वह पतरस प्रभु के पास आकर प्रभु से एक सवाल करता है। कहता है, प्रभु, इसलिए सवाल करता है क्योंकि प्रभु पाप के क्षमा के बारे में वह बता रहा था। पाप से क्षमा पाने और क्षमा देने की बातों के लिए वह सारी बातें उन्हें बता रहा था, ज्ञान की बातें सिखा रहा था। तब तक पतरस आता है प्रभु के कानों के पास आकर फुसफुसाते हुए कहता है, हे प्रभु, यदि हमारा भाई हमारे प्रति कोई अपराध करे तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? यदि मेरा भाई मेरे विरोध में कोई काम करता है या कोई अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? प्रभु तू बता, क्या 7 बार उसे क्षमा करूं? एक बार करता है गलती तो क्षमा कर दूं, दोबारा करता है क्षमा करूं, तिबारा करता है क्षमा करूं, ऐसे 7 बार करता है, 7 बार क्षमा करूं, 8वां बार करे तो ले हुमचा उसको मार डालूं। हालेलुया, हालेलुया, 7 बार तक क्षमा करूं कि उससे बेसी यानी ज्यादा बार भी क्षमा करूं? इतने में प्रभु ने कहा, प्रभु ने उससे कहा कि मैंने तुमसे कब कहा, मैंने ये बातें तुमसे कब कहा कि जब तेरा भाई तुझसे अपराध करता है, तेरे साथ गुनाह करता है, तो तू उसे 7 बार क्षमा कर या 7 बार के 70 गुने बार क्षमा कर? मैंने तो ये बातें नहीं तुम्हें समझाई, ये बातें तो तुम्हें नहीं सिखाई कि भाई तेरा भाई अगर गुनाह करता है तो तू 7 ही बार गिन के क्षमा करना, जय बार गुनाह करे तय बार अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेना, ये बातें तो मैंने नहीं सिखाया। मैं तो ये नहीं कहा कि तेरा भाई 7 बार गुनाह करे तो 7 बार क्षमा कर या 7 बार के 70 गुना बार क्षमा कर दे, या उसका 10 गुना बार क्षमा कर। मैंने तो कोई गिनती नहीं बताया कि भाई तेरा भाई गुनाह करता है तो इतनी बार क्षमा कर, इतनी बार करता है तो इतनी बार क्षमा कर। इतनी बातें कहने के बाद प्रभु क्या करता है? अपने चेलों को दृष्टांतों में बात करता है और दृष्टांतों में बात करते हुए वह एक दृष्टांत रूपी कहानी को सुनाता है। कहता है, तुम्हें नहीं मालूम ये क्षमा करने वाला जो काम है यह स्वर्ग से उतरा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, यीशु मसीह ने समझाया कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने क्या किया कि मूड बना लिया कि मैं आज अपने अपने राज्य का लेखा जोखा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जिसने क्या किया अपने जीवन में मूड बना लिया कि भाई आज तक मैं अपने पूरे राज्य का लेखा जोखा नहीं लिया, कहां भाई क्या हो रहा है, कहां क्या नहीं हो रहा है, क्या जो कि कहां पर कैसा माहौल है, कहां पर कैसा माहौल है, मेरे राज्य में कैसे कैसे लोग पड़े हैं। वह कहा भी भाई बहुत दिन हो गया ये लेखा जोखा लिए हुए, आज मैं क्या करता हूं अपने राज्य का लेखा जोखा लेता हूं। जब वो लेखा जोखा लेने लगा तो उसके पूरे राज्य में तो सब बढ़िया बढ़िया था, लेकिन एक ऐसा आदमी था जो उस राजा से 10,000 रुपया कर्जा लिया था। यीशु मसीह कह रहा है कि एक ऐसा आदमी मिलता है जो उस राजा से ही 10,000 रुपये कर्जा लिया था और उसने चुकता नहीं किया,
बहुत दिन बीत गए, उसने ध्यान नहीं दिया उस कर्जा के ऊपर, और वह आदमी पकड़ा जाता है और राजा के पास लाया जाता है, और लाने के बाद क्या किया जाता है, तो उसके उसके सारा लेखा जोखा उसके बारे में देखा गया, तो राजा क्या करता है, क्रोधित हो जाता है कि भाई इतने दिन से तुम लिए हो, एक बार भी चर्चा नहीं किए, एक बार मुझसे मिलने नहीं आए, एक बार मुझसे कहा नहीं कि भाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि वह गरीब था, उसके पास चुकता करने के लिए कोई भी एक पैसा भी नहीं था, इसलिए वह डर के मारे राजा के पास नहीं आता था। लेकिन हुआ क्या कि राजा ने कहा भाई तेरे पास नहीं था तो मेरे पास आना चाहिए ना, बताना चाहिए ना, लेकिन तू आया नहीं, इसलिए राजा मारे क्रोध के मारे वो क्या कहा, आग बबूला होकर अपने दासों को, अपने 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 साथियों को, सैनिकों को उसने क्या कहा, कहा भैया ये जो कि मेरे साथ छल किया है, काम करो, इसके पास जो कुछ है सब कुछ बेच दो, इतना तक कि इसके बेटी बेटा इसकी बीबी को भी बेच दो, और बेचकर जो भी रुपया बनता है लाकर मेरे खाते में जमा कर दो कि इसके इसके कर्ज की भरपाई हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। कहता है भाई ऐसा करो कि बेच दो इसका, इसको भी बेच दो, इसके बीवी बच्चों को बेच दो, इसके घर जितना जितना भी संपत्ति इसके पास है सब कुछ बेचकर कर्ज की भरपाई करो। इतना बात सुनते ही वह राजा के पैर को पकड़ लेता है, और पैर को पकड़ कर गिड़गिड़ाते हुए विनती करता है, हे राजा थोड़ा सा सब्र कर दे, अरे थोड़ी सा समय मुझे और दे, मैं कैसा भी करके, मैं मेहनत मजदूरी करके तेरे कर्ज को चुकता कर दूंगा, मैं तेरे कर्ज को भर दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं, तू रहम कर मेरे ऊपर, दया कर दे, कुछ समय और दे दे, जैसे इतना समय तू छोड़ा था, कुछ समय मेरे लिए और दे दे कि मैं मेहनत मजदूरी करके तेरा भर दूं। जब गिड़गिड़ाना चालू करता है तो राजा को दया आ जाती है, राजा के अंदर दया आ जाती है, और दया करके राजा क्या करता है, उसके सारे कर्ज को माफ कर देता है। हालेलुया हालेलुया। सारे कर्जा को ही माफ कर दिया, कहा भाई चल ठीक है, जब ऐसी बात है तेरे पास कुछ नहीं है, तू बिल्कुल गरीब है, तेरे पास चुकता करने के लिए कुछ भी नहीं है, चल भाई मैं तेरे कर्ज को आज क्या कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं, और माफ कर देता है तो बड़े आनंद से वह झूमना कूदना चालू कर देता है, बड़े मगन हो जाता है, और मगन होने के बाद वह क्या करता है, वहां से निकलता है इस खुशी में कि भाई राजा ने तो मुझे क्षमा कर दिया, राजा ने मुझे दंड भी नहीं दिया, और राजा ने दंड नहीं दिया तो राजा दंड के बाद जो है कि मेरे मुझसे जो है कि दोबारा वह कर्ज लेने की भी बात नहीं किया, कहा भैया तेरा माफ है, अब तू ऐसो आराम की जीवन जी, अपना जीवन किसी भी तरह से चला, तेरा कर्जा जो तू लिया था मुझे नहीं चाहिए। ये सारी बातें सोचते हुए वह कूदते फादते हुए वह अपने घर जा रहा था, तब ले जाते जाते जब 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 मार्केट आता है और मार्केट के चौराहे पे पहुंचता है, तब तक एक ऐसे आदमी के ऊपर उसकी निगाह जाती है, एक ऐसे आदमी के ऊपर निगाह जाती है जो उसका मित्र था, उसी का मित्र था, लेकिन मित्र तो था मगर एक 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 कमी हो गई थी, क्या कि जो जिस मित्र के ऊपर उसकी निगाह जाती है वह मित्र इससे 100 रुपया कर्जा लिया, किससे, जो राजा से 10,000 लिया था उसी से, वह वाला जो दिखता है चौराहे पे वह 100 रुपया इससे कर्जा बहुत दिन का लिया था। अब वहां से तो अब भाई झूमते नाचते गाते हुए आ रहा था कि राजा ने मुझे माफ कर दिया, मैं दंड से मुक्त हो गया, लेकिन यहाँ आता है अपने कर्जदार के ऊपर जब नजर पहुंचती है तब उसे गुस्सा आ जाता है, आज तक ही ना दिखल है लेकिन आज दिखल है, आज लेले बिना छोड़म ना। हालेलुया हालेलुया। आज उसे छोड़म ना। अब वो राजा की बात भूल जाता है, अपने कर्जा के बारे में भूल जाता है, अब उसको दिखाई देता है कि हमार 100 रुपया ले ले हो, आज बेटा के ले ऐसे ले ले बिना छोड़म ना। अब वो क्या करता है, दौड़े भागे जाता है, और दौड़े भागे जाकर उसको पकड़ लेता है, उसके गला को पकड़ लेता है, और गले को पकड़ कर कहता है, हे भाई तू इतना दिन का मेरा 100 रुपया लिया था, आज तक नहीं दिया, लेकिन आज बिना ले ले तो
के छोड़म हालेलुया हालेलुया। यानी जब तक तू आज मुझे देगा नहीं तब तक मुझे मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। वह क्या करता है बेमुरहुत्व, क्या करता है उसके गले को जोर जोर से दबाता है और उसे धकियाते हुए और उसको घिसराते हुए क्या करता है वह अपने घर लेकर जाता है, कहता है आज ले जाकर तुम्हें अपने बंदी गृह में बंद करके रखूंगा, तुम्हारे हाथ पांव को बांध कर एक कोठरी में बंद कर दूंगा और तब तक बंद कर दूंगा कि जब तक ले हमारा 100 रुपया भर ना दे। हालेलुया हालेलुया। मैं कहता है मैं तब तक तुम्हें बंदी बनाकर रखूंगा, तुम्हें अपने घर में कैद करके रखूंगा कि जब तक तू 100 रुपये की भरपाई नहीं कर देगा। अब ये बात वह कह रहा था, उसने बार बार कह रहा था, घसीटते हुए ले आ रहा था, तब तक उसके तीसर के मित्र के ऊपर नजर पहुंच जाती है। यानी एक और मित्र उसका था और उस जो और तीसर का मित्र है उसकी नजर इसके ऊपर पड़ती है कि ये धकिया रहा है उसको, खूब जो है कि धमकी दे रहा है, मार रहा है। वो तीसर का वाला देख रहा है कि भैया, और वह इस बात को देखते हुए सोच रहा था कि अभय तो हम राज दरबार में रह ली है तो राजा एक 10,000 रुपया का क्षमा देना, यानी 10,000 रुपया कर्जा या राजा से लिया था और राजा ने 10,000 रुपया इसका माफ कर दिया। मैं देख रहा था, वहां पे मौजूद था, गवाह था। और यही आदमी यहाँ आकर क्या कर रहा है, 100 रुपया खातिर अपने मित्र का गला जोर जोर से दबा रहा है और उसको धक्का मार रहा है और इतना ही नहीं उसको घिसराते हुए अपने घर ले जा रहा है कि भैया जब ले 100 रुपया ना देवे तब ले ना छोड़ो। अब उसको देखने के बाद उसका मन बड़ा दुखी हो जाता है कि देखो राजा ने दया किया और ये क्या कर रहा है, उस बेचारे का जान ले रहा है। वह तुरंत क्या करता है, उसका दिमाग काम करता है, वहां से बिना बताए वहां से भागता है, राजा के पास चला जाता है और राजा से जाकर उसकी शिकायत करता है। राजा अभी अभी कुछ समय पहले जिस आदमी का तूने 10,000 रुपया कर्जा माफ किया ना, जिस आदमी का 10,000 कर्जा माफ किया, वो आदमी अभी यहां से गया ना, अभी घर भी नहीं पहुंचा, घर भी नहीं पहुंचा, बाजारे में पहुंचा। और चौराहे पे मैं क्या देखा कि वो आदमी किसी एक दूसरे आदमी का गला दबा दबा कर उसको धक्का मार रहा था और घिसरा कर ले जा रहा था और अपने मुंह से बोल रहा था कि तू 100 रुपया बहुत दिन का लिया है, मेरा दिया नहीं, और जब तक दे नहीं देगा तब तक तुझे बांध कर रखेंगे। मैं उसकी जुबान से बातें सुन जो कि सुना, वो कहते हुए सुना कि भाई वो कह रहा था कि मेरा 100 रुपया तू कर्जा लिया है, आज तक नहीं चुकता किया, अब जब तक तू चुकता नहीं कर देगा तब तक तू मेरे पास बंदी बन के रहेगा। राजा तूने तो 10,000 माफ किया लेकिन वो यहां से गया, घर भी नहीं पहुंचा, तब तक वो अपने कर्जदार का गला दबा रहा है। अब राजा इतना सुनने के बाद वह आग बबूला हो जाता है, आग बबूला होने के बाद वह राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, काम करो, जल्दी से उसको पकड़ कर लाओ, जल्दी जाओ उसको पकड़ कर लाओ। आते हैं राजा के आदमी, तुरंत उस मनुष्य को पकड़ लेते हैं जो गला दबा रहा, जिसका 10,000 माफ हुआ था। क्या होता है कि उस आदमी को पकड़ते हैं और ले जाते हैं राज दरबार में, राजा के सामने पेश कर देते हैं और राजा के सामने जब वह पेश किया जाता है, राजा आग बबूला होकर उसके सामने जाता, कहता है हे दुष्ट दास, कहता है हे दुष्ट, अरे जैसे मैंने तूने जैसे मैंने तुझे कर्जा दिया था और इतने दिन से तू भरपाई नहीं कर पाया, और जब भरपाई नहीं कर पाया मैंने तेरे ऊपर दंड रखा और तू दंड को सुनकर मेरे सामने गिड़गिड़ाना चालू कर दिया, तो मैंने तुम्हारे ऊपर दया कर दी और दया करके तुम्हारे सारे कर्जा को मैंने छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो जैसे मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैंने तुम्हारे कर्जा को छोड़ दिया, वैसे तुम्हें भी अपने संगी दास का, अपने मित्र के कर्जा को छोड़ देना नहीं चाहिए था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वह जब गला दबा रहा था तो वह अभी दुहाई कर रहा था, हे भैया मुझे समय दे दे, समय दे दे कि मैं काम धाम करके मजदूरी करके तेरा भर दूंगा। भाई वह तो भर सकता था क्योंकि 100 रुपया था,
इसका 10,000 था, ये भी विनती किया कि हम भी मेहनत मजदूरी करेंगे, हे राजा तेरा भर देंगे। लेकिन राजा ने जाना कि ये कितना मेहनत मजदूरी करके कमाएगा, अपना पेट ही नहीं भर पाएगा ढंग से, वह मेरा कर्जा क्या भरेगा। राजा ने दया करके छोड़ दिया, लेकिन वह भी विनती करता था, विनती कर रहा था, भाई वह तो भर सकता है, 100 रुपए की बात है तो वह भर सकता है, लेकिन वह विनती भी कर रहा था, भैया मुझे मौका दे दे मैं भर दूंगा। लेकिन इसने दया नहीं किया, इसने माफ नहीं किया, इसने क्षमा नहीं किया, और वह धकियाने लगा, उसका गला दबाने लगा, सताने लगा। इसीलिए वह राजा ने उसे बुलाकर गुस्से में कहा कि जिस प्रकार मैंने तेरे कर्जा को माफ किया, उस प्रकार तू अपने मित्र के कर्जा को नहीं माफ कर सकता था। जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर दया किया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, वैसे तुम्हें भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने तो तेरे 100 रुपए का कई गुना माफ कर दिया था, और तेरा तो 100 रुपया था, तुम्हें माफ करना नहीं चाहिए था। राजा ने कहा, तुरंत ये बातें उसे धिक्कारते हुए कहा, अपने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, अपने दंड देने वालों को आदेश दिया, कहा इस एक काम करो, इसको अपने कस्टडी में रखो, इसको भी ले जाकर जेल खाने की कोठरी में बंद कर दो, और तब तक बंद करो कि जब तक हमारा 10,000 रुपया भर न दे। हालेलुया। यानी जब तक ये 10,000 रुपया हमारा लौटा न दे, तब तक इसको बंद करके रखना। इतनी बातें प्रभु यीशु समझाने के बाद कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से जो इस संसार में हो, तुम में से जो कोई मनुष्य यदि अपने भाई के गुनाहों को, अपराधों को माफ नहीं करता है, क्षमा नहीं करता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठे बैठे देख रहा है, वह भी तुम्हारे गुनाहों को क्षमा नहीं। यदि कोई भी मनुष्य अपने भाई के गुनाहों को माफ नहीं करता रहेगा, तो स्वर्ग में भी उसका गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए वह जो 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 पतरस ने प्रभु से सवाल किया, प्रभु 7 बार क्षमा करी की और 2 बार सातवें बार करेगी कि अब ज्यादा करेगी। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें गिनती नहीं गिनाया कि नहीं भाई इतने बार क्षमा कर। तेरा भाई तेरे साथ जब गुनाह कर रहा है, जितना कर रहा है उसे क्षमा दे तेरा, सिर्फ क्षमा दे तेरा, तुम गिनने की कोशिश मत करना। क्योंकि आपने वचन में सुना ना कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वही तुम्हारे साथ स्वर्ग में बनेगा, जो कुछ यहाँ खोलोगे वही तुम्हारे साथ स्वर्ग में खुलेगा। वह जो दास था जिसका 10,000 रुपया माफ किया गया था, वह जब राजा के पास से जाता है, अपने संगी दास यानी अपने मित्र से क्या करता है, उसको दंडित करता है 100 रुपए के खाते। जब वह यहाँ संसार में जब उसके ऊपर दया किया गया, तो उसने दया नहीं किया, बल्कि क्या किया उसके ऊपर, उसने क्या दंड की आज्ञा किया, अपने मित्र को दंड देने की कोशिश किया। जब वह दंड दिया, तो उसके दंड के अनुसार क्या हुआ, राज दरबार में उसके भी साथ दंड ही रखा गया। वह जिसको दंड दे रहा था वह तो छूट गया, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, इसके ऊपर तो दंड की आज्ञा रख दी गई, भैया इसे बंद कर दे, और तब तक बंद करना जब तक यह 10,000 भर न दे, वो हमेशा के लिए भैया कैद कोठरी में हो गए। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है कि हे मेरे लोगों, तुम्हारे साथ जितने भी गुनहगार हैं, जितने बैरी हैं, जितने अपराधी हैं, जो तुम्हें सताने वाले हैं, तुम्हारे साथ गलत जो है कि गलत व्यवहार रखने वाले, विरोध में चलने वाले, गाली देने वाले हैं, जितने भी तेरे अपराधी हैं, तू उनको हमेशा क्षमा देता रहना। क्योंकि जो कोई क्षमा देगा उसके लिए प्रभु ने कहा है कि यदि तुम क्षमा दोगे तो स्वर्ग से भी तुम्हें क्षमा मिलेगी। हालेलुया। यदि क्षमा नहीं दोगे तो स्वर्ग से भी तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी।
यानी इस मसीह ने जो बातें कहा कि यदि तुम पृथ्वी पे जो बांधोगे वह स्वर्ग में बनेगा, जो खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यानी हम इस संसार में एक दूसरे भाई के साथ जैसा व्यवहार रखेंगे वैसा ही स्वर्ग में भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने हमारे साथ व्यवहार रखा जाएगा। इसलिए प्रभु बचाना चाहता है उस दंड की आज्ञा से, उस भारी दंड की आज्ञा से बचाना चाहता है। इसलिए कहता है कि तेरा भाई गुनाह करता है, माफ करते रह, गिनने की कोशिश मत करना, क्योंकि गिनने वाला तो स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ है गिनने के लिए। तुम्हें क्षमा करने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा कि तू अपने बैरियों से प्रेम रख और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, तब तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। यदि हमें स्वर्गीय पिता की संतान बनना है तो भैया क्षमा देना होगा, क्योंकि वह परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे गुनाहों को माफ किया। जब भी हाथ जोड़ के घुटना टेक के खड़े हो जाते हैं, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, वह तुरंत कहता है मेरा बेटा गिड़गिड़ा रहा, जाने दे भैया। किसके समान? 10,000 रुपया जैसा माफ किया था उस जुए की कर्जदार को, जैसा उस दास को वह राजा ने माफ कर दिया था जब वह गिड़गिड़ाया, हे राजा थोड़ी सा मोहलत दे दे, हम मजदूरी करके भर देंगे। राजा ने देखा ही कितना मजदूरी करी है, कितना हमारा कर्जा भरेंगे। चल भैया तू गिड़गिड़ा रहा है, चल तेरा माफ। उसी प्रकार जब हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु हमने ढेर कर्जा लिया है, हमने ढेर गुनाह किया है, इस गुनाहों का मैं भरपाई नहीं कर सकता, मैंने अपने जीवन में इतना गुनाह कर दिया है कि यदि गुनाहों का दंड अगर सहने के लिए खड़ा हो जाऊं तो मैं योग्य नहीं हूं। इसलिए हे प्रभु मुझे माफ कर दे, हे प्रभु क्षमा कर दे। मैं विनती कर रहा हूं कि आज से तेरे मार्ग पे चलने की कोशिश करूंगा और तेरे मार्ग पे चलकर, तेरे मार्ग और सच्चाई पे चल कर मैं तेरी मर्जी पूरा करूंगा। यीशु मसीह कहता है तू पापी जब है तो कैसे तू पवित्र होगा मेरे रास्ते पे चल के। तेरे पाप नहीं कट सकते, क्यों नहीं कट सकते? जब तक मैं नहीं काटूंगा। वो यीशु मसीह क्या करता है, जब गिड़गिड़ाते हुए देखता है, कहता है जो भैया तेरा पाप माफ, आज से तू मेरे मार्ग पे चलना। हालेलुया हालेलुया। मैं कहता है आज से तू मेरे मार्ग पे चलना, आज से तेरा पाप माफ, तू मेरे मार्ग पे चलना। इसलिए क्या होता है, वो परमेश्वर तो उस दिन क्षमा कर देता है, लेकिन हमारी प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। क्या करने की? पाप करने की। हमारी बीमारी हमारे शरीर में क्यों रह जाती है? हमारी बीमारी हमारे शरीर से क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हम प्रभु के पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हे प्रभु हम पापी हैं, ला हमके क्षमा कर, हमने पाप किया। यही कारण है कि हमारी बीमारी हमारे शरीर के अंदर है, हम सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हम दवा इलाज कराए, हमें आराम नहीं मिल रहा है। प्रभु तू क्षमा कर दे, मिल जाएगा। प्रभु आपकी गिड़गिड़ाहट को सुना, क्षमा कर दिया। क्षमा जरूर करता है, ये मत सोचना कि नहीं क्षमा करता है, क्षमा जरूर करता है। लेकिन रह गई बात, हम यहाँ तो अभी 8 बजे क्षमा मांगे हैं, यहाँ 8 यानी 9 बजे से लेकर जब तक कलेसिया चल रही है हम क्षमा मांगे हैं। कलेसिया से बाहर निकले तब तक किसी से हमारा धक्का लग गया, अब यहाँ तो क्षमा मांग कर आ रहे हैं। कोई किसी के शरीर से धक्का लग गया या किसी का पैर हमारे पैर के ऊपर चढ़ गया, वह दब जाता है, वह तुरंत क्या हो जाता है कि हम उसे धकियाने लगते हैं या तो गाली चाप के देने लगते हैं, इतनी गाली देते हैं कि डिजाइन। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ गालियां अपने से ऐसा तैयार करते हैं कि क्यों सुन ले ना होकर। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर दयावंत है, वह क्षमा देने वाला है, सच में क्षमा देने वाला है, क्षमा करता भी है, वो क्षमा करता है। आप गिड़गिड़ाते हो, जिस समय आपकी आत्मा परमेश्वर के सामने रो देती है उसी समय आपके गुनाह परमेश्वर माफ कर देता है, क्योंकि आत्मा उसी समय अपने पाप पे रोती है कि जिस समय हमारा हृदय पिघल जाता है, हमारे हृदय में बदलाव आ जाती है। जैसा प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे देह से पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय डालूंगा,
प्रभु ने कहा है सच में उसी समय प्रभु मांस का हृदय हमारे अंदर उत्पन्न करता है जिस समय हमारा हृदय रोता है किसके लिए हमारे पाप के लिए बीमारी के लिए नहीं पाप के लिए हे प्रभु हम तो पाप कर दे ली जैसे आपका कोई कीमती सामान आपके गलती से टूट जाता है या आपके हाथ से झटका लग गया सामान गिरी और टूट गई और वह बहुत कीमती बहुत सुंदर है आप तुरंत क्या करते हो काश हम हाथ नहीं इधर किए होते तो हमारे हाथ से लगा नहीं होता और गिरकर टूटा नहीं होता हम पश्चाताप करते ऐसा करते ना कि हम हाथ नहीं लगाते तो वह गिरता नहीं या हम मोबाइल अपने कान पे लगाए खूब कीमती मोबाइल है 25-30 हजार की हम लगा रहे हैं बात कर रहे हैं ऐसे ढंग से बात कर रहे हैं हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ नहीं है तब तक जो है कि हमारा नजर इधर से उधर गया और हाथ से मोबाइल छुटी और जमीन पे गिरी तो उसका टुकड़ा टुकड़ा फिर क्या पछतावा आता है काश हम अपना ध्यान उधर नहीं लगाए होते अगर जकड़ कर मोबाइल को पकड़े होते तो मेरी मोबाइल नहीं गिरती और मेरा जो है कि 25 हजार का फटका नहीं लगता आत्मा रो देता है कितने लोग तो 25 हजार का नाम ही सुनकर रोने लगते हैं अरे हमारे 25 हजार था हालेलुया हालेलुया परमेश्वर कहता है अपनी वस्तु के लिए जो वस्तु तूने लिया इस्तेमाल किया खराब हो गई फिर ले सकता है एक मोबाइल आपकी खराब हो गई सैमसंग की मोबाइल मान लीजिए आपकी खराब हो गई दोबारा पैसा इकट्ठा करके आप उसी सैमसंग की मोबाइल को दोबारा अपने पास ले सकते हो लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों ये जीवन खराब हो गया तो कौन सा जीवन जो है कि दोबारा खरीदोगे कौन सा खरीदोगे ये शरीर जो आपको मिली है एक बार खराब हो गई इस शरीर से आत्मा निकल गई तो दोबारा मिलेगी इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है इसीलिए वह परमेश्वर कहता है कि जब भी तू मेरे सामने आता है क्षमा मांगने के लिए अपने हृदय को रुला दे रुलाकर पश्चाताप में डूब जा जो भी तूने गलती किया है उसको अपने हृदय में लेकर पश्चाताप कर तब क्या होगा स्वर्ग से करुणा की आशीष बरसेगी तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और तुम्हारे पाप माफ कर दिए जाएंगे हालेलुया हालेलुया मेरे प्यारे भाई बहनो हम परमेश्वर के सामने अपना हृदय जब पिघलाते हैं रोते हैं परमेश्वर के सामने उस समय हमें माफी मिल जाती है एक कदापि मत समझना कि हमें क्षमा नहीं मिली है जिस दिन आपका हृदय पाप के लिए रो दिया उस दिन आपको माफी मिल गई लेकिन हमारी बीमारी नहीं गई कारण क्या है कि हम यहां से क्षमा तो पा गए लेकिन बाहर निकलने के बाद वह गलती चालू हमारे पाप करने की जो प्रक्रिया बार बार है वह हमें क्या करती है बीमारी से छुटकारा नहीं देने देती इसलिए प्रभु कहता है आज मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया लेकिन कलिया मत करिए इसलिए प्रभु जिसको चंगा करता था कहता था जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया जा तेरे पाप माफ हो गए तेरे पाप क्षमा कर दिए गए मगर दोबारा पाप मत करना यीशु मसीह जिसको चेताता था यही कहता था दोबारा पाप नहीं करना है करोगे फिर मरना पड़ेगा इसलिए तेरे पापों को तो आज मैंने मिटा दिया अगर मैंने पाप को मिटा दिया दोबारा नहीं करेगा तेरी बीमारी तेरे अंदर नहीं रहेगी वह भी मिट जाएगी अगर तू फिर करेगा तेरी बीमारी तेरे साथ लगी रहेगी इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों जिसकी बीमारी है वह अपने जीवन में झांके अपने कर्मों के अंदर झांके जो सुबह से शाम तक यानी सोकर उठने से सोने तक जितना वह जीवन जीता है जो भी यानी सुबह से शाम तक जो भी जीवन जीता है उस जीवन में झांके कि उसने कहां कहां गड़बड़ी की और गड़बड़ी करके परमेश्वर के सामने माफी मांगे सुबह होती है परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ परमेश्वर के सामने घुटने टेको हे प्रभु आपने फिर से सुंदर जीवन दिया है फिर से नया जीवन दिया है फिर से नया दिन दिया है हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि हे प्रभु आज के दिन का जो संपूर्ण जीवन तेरे हाथ में देता हूं आज के दिन का संपूर्ण जीवन है ना जो आज भर जीना है मुझे ये जीवन तेरे हाथ में देता हूं लेकिन एक विनती एक रिक्वेस्ट है क्या कि हे प्रभु आज पूरा दिन मुझसे कोई पाप न होने पाए मुझे बचा लेना पाप होने से मुझे बचा लेना यदि तू संभाले रहेगा तो मैं जिंदगी में पाप नहीं करूंगा
हालेलुया 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 हालेलुया। यदि तू संभाला रहेगा तो मैं जिंदगी में पाप नहीं करूंगा, यदि तू मुझे संभाल कर रखेगा, मुझे पाप की तरफ नहीं जाने देगा तो मैं करने नहीं पाऊंगा। हे प्रभु, पूरा पूरे दिन का जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं। आप प्रभु को सौंपो और सौंपने के बाद अपने कार्यक्रम में लग जाओ तो जहां आपसे गड़बड़ी होने वाली रहेगी प्रभु याद दिलाएगा, देख ये गलती है, गुनाह मत कर। अगर आप संभल गए तो ठीक है, फिर भी जानबूझकर चला हुई तो हुए ना, फिर सजा का तब माफी मांगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं और काम करते रहते हैं और ऐसी समस्या आ जाती है कि उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, गलती करना पड़ता है, और गलती करने के जब समय आती है तो क्या करते हैं, जहां गलतियां पहले सजवा का खूब रोई के माफी मांग ले, वो तो दया वाला है, ले हुआ दे दिए सब। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कदापि मत करना, क्योंकि जो जानबूझकर गुनाह करता है वह भी जानबूझकर अपनी मुंडी इधर कर लेता है। इसलिए जानबूझकर नहीं, आप परमेश्वर के संतान हो। हमारा परमेश्वर कैसा है? एक सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वह झूठा नहीं है, वह दो दृष्टि करने वाला परमेश्वर नहीं, सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हम सच्ची सच्चे परमेश्वर की संतान है, तो हमें कैसा बनना चाहिए? हमें भी सच्चा बनना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं, इसलिए तुम भी न्याय का काम किया करो। तुम्हारे सामने हां की बातें आती है तो उसे हां कहो, नहीं की आती है नहीं में ठुकरा दो, मुंह देखा न्याय कभी मत करना। इसलिए मेरे प्यारे भाई बनो, वो परमेश्वर जो चाहता है अगर हम पूरा करते रहेंगे तो परमेश्वर ने जो कहा ना, दो ही लोग मांगेंगे तो हम दे देंगे, इतना लोन की जरूरत नहीं होगी। अगर दो ही लोग इतने लोग के लिए मांगेंगे परमेश्वर दे देगा। कहता है तीन लोग ही मेरे नाम से इकट्ठे हो जाएंगे, मैं आ जाऊंगा, इतने भीड़ की आवश्यकता नहीं होगी कि इतना भीड़ जुटाओ तभी आऊंगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर सच्चा आपका प्रेम मांगता है। आप परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम दो, अवश्य है कि वह परमेश्वर आपकी हर एक मांग को पूरा करेगा, हर एक मांग को पूरा करेगा। सिर्फ परमेश्वर के सामने झुक कर अपने गुनाहों का अंगीकार करना, उस परमेश्वर के मार्ग में लगे रहना, उसके वचनों का आदर और सम्मान करना, जो वचन आज्ञा दे रही है उसे पूरा करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सच में परमेश्वर के सामने ये बातें सोच कर आओगे कि मैं आज प्रभु के पास जा रहा हूँ, मुझे ये बीमारी कैसे आज तक लगी रही, आज ये बीमारी को जाना है मुझे, मैं प्रभु के नाम से घोषणा करता हूँ, मैं प्रभु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि आज बीमारी मेरी चली जाएगी। हालेलुया हालेलुया। भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, घोषणा करता हूँ। भविष्यवाणी और घोषणा में अंतर होता है, भविष्यवाणी और घोषणा में अंतर होता है। भविष्यवाणी क्या होती है? कि प्रभु ने संदेशा दिया कि ये काम तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, पास्टर ने बता दिया, प्रभु के दास ने कह दिया, प्रभु आज्ञा दे रहा है तेरा ये काम तेरे जीवन में होने वाला है। लेकिन होगा क्या कि आप अगर परमेश्वर के मार्ग में बने रहे तभी होगा, अगर बिगड़ गए तो कैसे होगा। भविष्यवाणियां टल सकती है लेकिन घोषणा नहीं चल सकता। घोषणा देने का मतलब यह है कि ये मैं निश्चित लिखित कह रहा हूं कि ये अवश्य है कि हो जाएगा, ये अवश्य है कि मैंने मोहर लगा दिया है, ये टल नहीं सकता, ये हो जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह जो अपने जुबान से निकालता था वह घोषणे की बातें निकालता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरे जुबान से जो निकल गया वह क्या होगा, टल जाएगा। उसने कहा आकाश ऊपर के नीचे चकनाचूर हो जाएगा, धरती ऊपर के नीचे चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन मेरे जुबान से जो निकल गया ना वह टलेगा नहीं, वह पूरा होकर रहेगा, और आज पूरा हो रहा है। इसलिए हमें घोषणा करना है बीमारी के लिए कि हे बीमारी, मैं आज के दिन तुझे घोषणा करता हूं तेरे लिए कि आज कलेसिया में तुझे मेरे शरीर से निकल जाना है। हालेलुया हालेलुया। और ये भी संदेह वाला घोषणा नहीं, पूर्ण विश्वास वाला। अगर आप ये घोषणा अपने दिल के अंदर लेकर आओगे, जरूर है कि यहाँ आते आते इस कलीसिया के अंदर कदम रखते रखते आपकी बीमारी यूं में चली जाएगी, आपको परमेश्वर
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर सच्चा है, इसलिए आपका प्रेम भी सच्चा मांगता है, आपका विश्वास सच्चा मांगता है, उसमें खोट नहीं मांगता है, संदेह नहीं मांगता। इसलिए परमेश्वर के सामने जब भी आओ, एक दृढ़ विश्वास करके आओ कि हमें परमेश्वर जरूर है कि आज देगा। विश्वास तो ये होता है कि मिलेगा भैया, कहिया मिलेगा पता ही नहीं, ये ठान लो आज देगा प्रभु, आज प्रभु से कहूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, प्रभु आज देगा, क्योंकि वो उसके सामने कोई भी असंभव कार्य असंभव नहीं होता, वो हर असंभव को क्या करता है, आसानी से संभव कर देता है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब लोग अपना तेल पानी अपने हाथ में ले लो, कपड़ा हाथ में ले लो, जिसको आशीष लेना है।